हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के संघीय कार्यपालिका से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के बारे में। इसमें हम लोग बात करेंगे दोस्तों मंत्रिपरिषद के बारे में। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने प्रधानमंत्री के बारे में देखा था और उसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में देखा था। ठीक है, यहाँ हम लोग देखेंगे मंत्रिमंडल से संबंधित प्रमुख प्रश्नों के बारे में। तो देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके लिए जरूरी हैं। लोक निधि का अभिभाव किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, महालेखा परीक्षक और मंत्री परिषद। किसे कहा जाता है लोक निधि का अभिभावक? अभिभाव नहीं है, यहाँ पे होगा अभिभावक, यानी कौन? गार्जियन। लोक निधि का गार्जियन किसे कहा जाता है? तो याद रखिए कैग को। कैग मतलब कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल को कहा जाता है। ठीक है, और किस अनुच्छेद में? 148 में इनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो यह है भारत का अटॉर्नी जनरल, यानी कौन? इसको हिंदी में अगर जानना चाहेंगे तो महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी, इनको अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? जो कैग के ऊपर टीका टिप्पणी करने की अंतिम जिम्मेदारी है वो किसकी है? तो याद रखिए सिर्फ और सिर्फ संसद को ये जिम्मेदारी मिली हुई है कि वो कैग के ऊपर टीका टिप्पणी करेगी, बाकी किसी को भी ये अधिकार नहीं दिया गया है। मैंने डिटेल्स इस वीडियो पर बनाया है, कैग का वीडियो, और चाहूँगा कि एक बार आप लोग ज़रूर से देखें। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? प्रथम विधि अधिकारी, जो महान्यायवादी होता है ना, वो प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है, महान्यायवादी। ठीक है, पार्लियामेंट यानी संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी संसद की बैठक में कौन भाग ले सकता है? वही महान्यायवादी। वो सदस्य नहीं होता लेकिन उसकी चेयर लगती, वहाँ बोल सकता है, चर्चा में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता, वोट नहीं कर सकता, वही महान्यायवादी, मतलब अटॉर्नी जनरल। ठीक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित में से एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। किसका मित्र एवं मार्गदर्शक होता है ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है प्रवर समिति, प्राकलन समिति, प्रधानमंत्री या लोक लेखा समिति। तो याद रखिए इसका जिम्मेदारी पूरा लोक लेखा समिति का होता है, इसीलिए तो लोक लेखा समिति का अभिभावक इसको कहा जाता है, गार्जियन यानी अभिभावक। ठीक है, किसे कहा जाता है? कैग को। नेक्स्ट है, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल या विधि सलाहकार हैं कौन है? तो याद रखिए भारत सरकार का होता है। महान्यायवादी किसका होता है? भारत सरकार का होता है ना, बस वही आपको तो बताना है। भारतीय संसद में सम्मिलित किया जाता है। संसद में देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को होता है, तो यहाँ देखिए राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों को सम्मिलित किया जाता है, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा, कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता था? याद है दोस्तों, जब मैंने आपके लिए अलग से राष्ट्रपति का वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने लगभग 14 से 15 राष्ट्रपतियों के बारे में बात किया था, वहाँ पे मैंने डिटेल से इस टॉपिक को कवर किया था और वहाँ समझाया था। तो कई लोगों को अटपटा लगा होगा कि सर ये फालतू की बात करने का था, देखो आज वहाँ से प्रश्न आ गया कि नहीं, वो भी यूपी पीसीएस के मेंस के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो सही उत्तर है डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, इनको दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? ठीक है, तो याद रखिए जो कैग होता है वही, कहीं भी लोक लेखा समिति का मामला आए आपका नज़र कहाँ पे जाना चाहिए? तुरंत आपका नज़र कैग पे जाना चाहिए, क्योंकि यही अभिभावक है, यही क्या है? गार्जियन है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है? किसके द्वारा इस पद का सृजन किया गया है बताइए? ऑप्शन है संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, और भी यहाँ दो ऑप्शन होगा कट गया है लगता है, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, ऑप्शन सी याद रखिए क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ आपको, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, समझ जाएंगे ना, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, और डी है मान लीजिए नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कैग के पद का सृजन किया गया है किसके द्वारा? तो याद रखिए संविधान के द्वारा। मंत्रिपरिषद क्या करेगा? कुछ करेगा? वो किसी पद का सृजन थोड़े करेगा। और संसदीय अधिनियम, ये कोई मतलब नहीं, संविधान के द्वारा इस पद का सृजन किया गया, तभी तो 148 में बताया गया है। लोक निधि के फलोत्पादक और आशयित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य
कार्यालय का महत्व क्या है, ये आपको बताना है कि कौन क्या क्या महत्व है। ठीक है, ऑप्शन ए दे रहा है, कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात या वित्तीय आपात घोषित करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कैग का कोई भी काम राजकोष पर नियंत्रण करना नहीं है। ठीक है, आय व्यय का लेखा जोखा रखना इसका काम है, ये राजकोष पर कंट्रोल नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि मतलब ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, और जब ए गलत हो जाएगा तो आपका ए यहाँ से भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। बचा कौन, दो और तीन, मतलब कि बी और सी में से। देखते हैं, कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यपनों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। हाँ, लोक लेखा समिति का काम ही यही होता है कि वो इस तरह के परियोजनाओं पर ध्यान दें, यानी दो ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, कैग के प्रतिवेदन से मिली जानकारियों के आधार पर जाँचकर्ता एजेंसियाँ उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। बिल्कुल, लोक लेखा समिति खाली देखती ही नहीं है, वह ऐसे लोगों पे जो है कानून, जो लोग कानून उल्लंघन करते हैं उसके खिलाफ भी काम करती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है और होना भी चाहिए। कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षक और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सकता है। वो खुद अभियोग नहीं लगाता है, देखिए वो कमेटी जरूर बनाएगा और जांच सिद्ध हो जाने पर कानून अपने हाथ में थोड़े लेगा, कैग का काम कानून हाथ में लेना थोड़े है। तो ये यहाँ तक तो बिल्कुल सही बात कहा कि उल्लंघन करने वालों पर आरोप लगा सकता है, अभियोग थोड़े लगाएगा, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और दो और तीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? महाभियोग तो लगता है लेकिन कितने दिन पूर्व जो है सूचना देना जरूरी है, तो मैंने आपको बताया था 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? इसको तो इतने बार मैं भूल चुका हूँ कि उम्मीद है कि आपको रट गया होगा। लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित करता है? ठीक है, अगर पर्याप्त नहीं है तो मैंने बताया था ना, दो पूरे संसद में कुल 14 लोगों को, 12 जो है राज्यसभा, 2 जो है लोकसभा, और कुल मिला के कितना हो गया, 14। ठीक है, आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। कथन दे रहा है, कारण दे रहा है, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है अथवा गलत है। देखिए बात को समझिएगा, परोक्षतः निर्वाचित होना, परोक्षता मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं बात कर रहा, अप्रत्यक्ष रूप से, तो बिल्कुल सही है कि अप्रत्यक्ष रूप से ही निर्वाचित किया जाता है। अब भारत में गणतंत्रवाद को जोड़ा गया है संसदीय प्रणाली के साथ, ये भी बिल्कुल सही है। अरे गणतंत्र कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से ना, गणतंत्र का शासन जो है ये कहाँ से लिया गया, फ्रांस से, ठीक है, और संसदीय शासन प्रणाली जो ब्रिटेन से, तो इन दोनों चीज़ों को जोड़ा गया है हमारे संविधान में, और यहाँ पे दोनों कार्य सही है, मतलब ऑप्शन ये जो है बिल्कुल सही होगा। संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? ठीक है, बताइए, अध्यादेशों का प्रख्यापन, ये तो करता है अनुच्छेद 123 के तहत, तो अध्यादेश जारी करता है। जब सदन सत्र में नहीं होते हैं तो उस समय जो है कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है, राष्ट्रपति की। उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेना, मतलब 143, ठीक है, और मानना न मानना उसके ऊपर है। संसद के सदनों को संदेश भेजना, ऐसा कोई काम उसका नहीं है, ठीक है, मतलब यही शक्ति इसके पास नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्षमादान तो 72 के साथ करता है अनुच्छेद, ठीक है, तो सी ऑप्शन गलत है। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, अपच्युत, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहता है? तो आपको बताया गया होगा कि 6 माह के अंदर जो है चुनाव करा लिया जाना चाहिए, 6 माह के अंदर, तो जाहिर सी बात है 6 महीने तक उपराष्ट्रपति रह सकता है, उसके बाद तो चुनाव हो जाएगा और फिर नया राष्ट्रपति आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या से मंत्रिमंडल सचिवालय का या के कार्य हैं? आपको बताना है कि कौन कौन से उनके कार्य हैं। मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है, बिल्कुल करता है, कौन करेगा, उनका बैठक हो रहा है तो मंत्रिमंडल ही तो करेगा। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय ही सहायता करता है, बिल्कुल सही है। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन करता है, मंत्रिमंडल काम आवंटन करना नहीं है, वित्त मंत्रालय का काम है आवंटन करना, वो अपने तरीके से चीज़ों करेगा, मतलब तीसरा ऑप्शन गलत है और 1-2 जो है सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियाँ प्रधानमंत्री के नाम से
हुई कही जाएंगी नहीं, प्रधानमंत्री के नाम से कोई कार्यवाही नहीं होती, सारे के सारे कार्य किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से, ठीक है ये गलत हो जाएगा, जितने भी विदेशी संधियाँ होते हैं या जो कुछ भी होता है सब राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही और बी जो है गलत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 में प्रावधान है कि दायित्वों का लोकसभा अध्यक्ष के या राज्यसभा के या भारत के कैग के या प्रधानमंत्री के किन के दायित्वों के बारे में कहा गया है। याद रखिए प्रधानमंत्री के दायित्व के बारे में कहा गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है कि वो प्रत्येक चीज़ों की सूचना राष्ट्रपति को दे जिसे आवश्यक समझे। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो याद रखिए एडविन लुटियंस ने इसको डिजाइन किया था राष्ट्रपति भवन को, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है। अरे यार ऐसा मत कहो, नाम मात्र का नेता होगा तो कैसे काम चलेगा, हो सकता है, संभव ही नहीं कि नाम मात्र का नेता हो, यही तो पावरफुल पोस्ट होती है पीएम की। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होगा, अपने प्रति। प्रधानमंत्री यार तो जनता के लिए चुना गया है, जनता का नेता है, लोकप्रिय सदन का नेता है, तो जाहिर सी बात है कि उत्तरदायी तो होगा ही होगा। अपने वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, इतनी पावर है, वो नियुक्त अपने स्वविवेक से प्रधानमंत्री खुद नियुक्ति करता है, बताता है, नियुक्ति फिलहाल तो वो राष्ट्रपति करता है लेकिन स्वविवेक का इस्तेमाल करके चुनता कौन है, तो प्रधानमंत्री, तो हटा नहीं सकता, हटा ही सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, हाँ ये सही ऑप्शन डी। अनुच्छेद 108 याद आया कुछ आपको, संयुक्त अधिवेशन की बात कर रहा है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, किसके द्वारा बैठक आहूत की जाती है। देखिए बैठक को बुलाना, उसको संबोधित करना और सत्रावसान करना, ये तीनों काम राष्ट्रपति का है, और अध्यक्षता करना तो लोकसभा अध्यक्ष का है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है, कौन, तो याद रखिए इसके लिए राष्ट्रपति, मैंने भी पीछे बताया आपको, तो इसके लिए राष्ट्रपति जो है प्राधिकृत है। इसके बाद लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है, और यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो इसको भी मैंने बताया है 2026 तक जो है ये चीज़ें यथावत रहेंगी, 2026 तक, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा 2026 के पहले इसमें चेंजिंग नहीं होगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस जनगणना के अनुसार है, तो 1971 अभी पीछे तो बताया गया, 1971 की जनगणना के अनुसार ये सारा काम होता है, ठीक है, सीटों का आवंटन किसके आधार पर, 1971 की जनगणना के आधार पर। 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है, ये तब तक नहीं बदली जाएगी जब तक वर्ष विशेष के बाद पहली ही जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष क्या है, फिर से वही बात आ गया, देखिए एक ही प्रश्न को बार बार घुमा के पूछ रहा है आपसे, 2026 1971 को आधार माना गया है, 2026 तक इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती, इसके बाद ही कोई चेंजिंग होगी। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं, जो लोकसभा होता है ना उसमें राज्यों को किस आधार पर सीटें बांटी जाती हैं, तो याद रखिए जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या तो मेरा हमारा आधार होगा, क्षेत्रफल से क्या मतलब, गरीबी भाषा सब कोई मतलब नहीं है। लोकसभा के सदस्यों में जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, अधिकतम संख्या वो क्या है, तो याद रखिए 552 है, 545 तो होते हैं निर्वाचित, अब 552 अधिकतम हो सकते हैं, ठीक है, जरूरत पड़ने पर अभी इसको 545 इस समय है 545 लेकिन अधिकतम कितना हो सकता है 552 तक, और जरूरत पड़ने पर इसको बढ़ाया जाएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है ये प्रथम जो है लोकसभा अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम महिला अध्यक्ष तो याद रखिए मीरा कुमार ये अभी इस बार जो है राष्ट्रपति पद के दावेदार भी थी लेकिन जो है हार हो गई, कोई बात नहीं। लोकसभा अध्यक्ष को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है, लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष मतलब अरे प्रधानमंत्री थोड़ा तो लोकसभा अध्यक्ष, कोई भी लोकसभा का नेता जिसको प्रधानमंत्री चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष चुन सकता है, तो और भी सारे सदस्य उसको मिलकर चुनते हैं, चुनाव होता है। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, लेकिन कैसे, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो हो जाएगा, यानी जब लोकसभा चाहेगी तभी ना हटाएगी, तो इतनी सी बात है। राज्य सरकार
लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत विवाद पसंद नहीं करती है। नियम 184 मैंने आपको बताया हूँ, पढ़ाया हूँ, और नियम 184 के तहत अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, सामने वाले की सत्ता चली जाएगी। तो यहाँ देखिए क्या बात कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही, इस नियम में बहस के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है, तभी तो सत्ता जाती है, यानी दोनों ऑप्शन सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र किसे कहा जाता है, वो लद्दाख को माना जाता है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, कम से कम की बात कर रहा है, तो देखिए कम से कम दो तो होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतम जो गैपिंग है वो कितनी हो सकती है, छः माह की हो सकती है, तो छः माह की मतलब दो बार। 2008 के डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखिए उन्नाव। ठीक है, उन्नाव को। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें हैं, लोकसभा में समान सीटें हैं, कौन सा वो राज्य है जिसमें लोकसभा में सीटों की संख्या क्या है, समान है, याद रखिए आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लोकसभा की सीटें जो हैं बिल्कुल समान है, याद रहेगा आपको, दोनों भी क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी बड़े हैं। लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है, अगर किसी भी तरह का अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 50। 50 से कम सदस्य होंगे तो अविश्वास प्रस्ताव ला ही नहीं सकते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, राज्य दे रहा है लोकसभा में स्थान, अभी हमने देखा कि आंध्र प्रदेश का राजस्थान का सेम, अभी हमने पीछे पढ़ा कि आंध्र प्रदेश और राजस्थान का सेम है, और यहाँ पे क्या दे रहा है, चलिए फिलहाल तो राजस्थान तो दिया नहीं है, असम 14, पंजाब 13, पश्चिम बंगाल 42, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, राजस्थान का 42 नहीं है, ये गलत है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल कि लोकसभा में आंध्र प्रदेश की में सीटों की संख्या कितनी है। ठीक है, इसके बाद है आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ, इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं, 2009 के अनुसार ये पूछ रहा है क्योंकि पेपर पुराना था। ठीक है, काफ़ी पुराना प्रश्न आया हुआ था एग्जाम में, तो मैंने कहा यहाँ पे डाल देता हूँ या एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है, और बताइए चलिए 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ, इसमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं, राज्य और यूनियन टेरेटरी दोनों को शामिल किया जाता है, तो राज्यों के कितने हैं ये बता रहा है। ठीक है, बताइए राज्यों के लिए थे 530, राज्यों के लिए थे 530। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कितने स्थान जो है राजस्थान के लिए हैं, हाँ तो राजस्थान और आंध्रा दोनों का सेम था, और 25। ठीक है, तो राजस्थान के लिए 25 था और आंध्र प्रदेश के लिए भी कितना था, 25। पिछले वाले क्वेश्चन में 42 दिया था, तभी मुझे डाउट हो रहा था कि 42 इतना अधिक तो नहीं हो सकता, उसी आधार पे मैंने उसको गलत टिक कर दिया था। तो कभी कभी क्या होता है, एलिमिनेशन विधि भी काम कर जाती है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोल दूँ कि नहीं गोवा में जो है 30 है, तो उसको तुरंत आप गलत कर दो, यार हो ही नहीं सकता, इतना छोटा सा राज्य 30 कैसे हो जाएगा वहाँ पे। लोकसभा के कितने स्थान, तो ये तो हो ही गया। लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, एक बार में 6 महीने, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए और एक बार में 2 वर्ष के लिए, तो इसमें से कौन सा सही है, तो मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में भी 2-3 बार बात हो गई थी इस पे, कि एक वर्ष में एक बार ही बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कब, जब आपातकाल लगा हो तब। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ, लोकसभा का पहला आम चुनाव ये हुआ था 1952 में। ठीक है, 1952 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि का निर्वाचित करता है, कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा ST का प्रतिनिधित्व करता है, शेड्यूल ट्राइबल। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है, उत्तर प्रदेश 80, और सर्वाधिक स्थानों का आवंटन इसके अलावा किसमें किया गया है, तो याद रखिए महाराष्ट्र में। ओके, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे नंबर पर है, तो दूसरे पे तो महाराष्ट्र है, पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे है पश्चिम बंगाल। ठीक है, भारतीय संसद की स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था, संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था, बताइए कब मनाया गया, तो 13 मई 2002 को मनाया गया था, 13 मई 2002 को। लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, कुल
सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? ठीक है, तो 545 और अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 552। हालांकि कब तक टाइम दिया गया? तो 2026 तक अगर आवश्यकता पड़े तो ये बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल 545 ही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही प्रश्न, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग डिटेल से संसद के टॉपिक को और अच्छे से कवर करेंगे, और बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग कवर कर रहे हैं। ये जो बूस्टर सीरीज चल रही है ना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग हर टॉपिक का बूस्टर सीरीज कवर करेंगे, जिसमें क्या होगा ना कि एक बार इसको पढ़ने से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, तरीके मिलेंगे कि नहीं IAS और PCS में किस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर से शेयर करिएगा, और वीडियो के ऊपर जो ऐड आता है प्लीज़ उस ऐड को ज़रूर से देखिएगा, ऐड को स्किप मत करिएगा। और एक आवश्यक सूचना आपके लिए ये है कि हो सकता है कि मार्च और अप्रैल टाइम अभी निर्धारित नहीं हो पाया, जैसे टाइम निर्धारित होता है मैं आपको बता दूंगा। पूरी प्लानिंग है कि मार्च से, और मार्च में अगर नहीं कर पाते हैं तो अप्रैल से आपके लिए मॉक टेस्ट जो है लाए जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छे होंगे वो सब। तो मैं चाहूँगा कि जब भी मॉक टेस्ट लॉन्च हो आप ज्वाइन ज़रूर करिएगा, क्योंकि उसके बाद से आपको पता चलेगा कि सच में आपको कितना आता है या आप किस लायक हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।